हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कि ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है। अब जिन्होंने भी ये वीडियो ऑन किया है उन सबको ऐसा लगेगा कि ओएमआर शीट को भरने में ऐसा क्या लगता है, बट सीबीएसई ने जो ओएमआर शीट का नया सैंपल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो चेंजेस हमारे प्रीवियस किसी भी ओएमआर शीट में नहीं थे। टर्म वन एग्जाम क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई जो कंडक्ट करने वाली है 2020-21-22 में, उन एग्जाम्स में ओएमआर शीट हम यूज करने वाले हैं, और उन ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, और तो इसमें मैं आपको अच्छे से पूरे डिटेल में समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है और ये इमेज जो है हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट मीन सीबीएसई से ही है। यही सर्कुलर सीबीएसई ने हमें 16/11 को बताया गया है, तो मैं जो भी बता रही हूँ ये सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली ही बता रही हूँ, इसीलिए ये ओएमआर शीट किसी भी पब्लिशर या फिर किसी भी डिफरेंट वेबसाइट से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के वेबसाइट से ही है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और इन सब चीज़ों को याद रखिए, और साथ में ही जिन बच्चों को इस ओएमआर शीट भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो वो सभी भी बच्चे इसको ध्यान से वीडियो को समझिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये मैंने नोटिफिकेशन बता दिया कि सीबीएसई ने क्या कहा है। अब यहाँ पर है हमारे पास में एक ओएमआर शीट का सैंपल। ये ओएमआर शीट जो है ये सीबीएसई ने प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आप उसका लोगो देख सकते हैं। अब ओएमआर शीट में क्या होता है, जनरली जो होता है हमें ये सब इंफॉर्मेशन अपने आप से भरनी पड़ती है, बट यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो रोल नंबर आपका ऑलरेडी फिल्ड है, उसको डिजिट्स और वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, डे और डेट भी फिल्ड है, और साथ में हम देख सकते हैं सेंटर नेम और सब्जेक्ट कोड, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एवरीथिंग जो है यहाँ पर फिल करके दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें मिस्टेक होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑलरेडी फिल करके दिया गया है, राइट? तो अगर ये फिल करके दिया है तो मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो फिर हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए क्वेश्चन पेपर कोड करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, हर एक क्वेश्चन पेपर पे एक क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा, और वो क्वेश्चन पेपर कोड आपको आपके सेट को भी दर्शाएगा। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको वो क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो प्रॉपरली लिखना है। ये काम आपको यहाँ पर करना है जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिलती है। अब ओएमआर शीट में ये तो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है जो हमारे क्वेश्चन पेपर पे रहेगा। इसके अलावा देखिए आपको और क्वेश्चन इसमें क्या लिखना है, राइट? इसके अलावा जो है आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने एक और इमेज ली गई है। इस इमेज में हमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको आपने जैसे ही क्वेश्चन पेपर कोड लिख लिया उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको एज इट इज ये स्टेटमेंट आपकी हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है? एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज लिखना है आपको, और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे आप क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर मैं पूरा इस तरीके से लिखूंगी कि आई कन्फर्म, और ये हमें रनिंग हैंड में लिखना है। हम जिस तरीके से हमें कॉपी में लिखते इस तरीके से हम क्या करेंगे, रनिंग हैंड में यहाँ पर इसको फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर शीट में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, और जो मेजर पार्ट है इसका वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर जो बिलो जो दिया गया है ये यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना? ये आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये आपका नहीं, इन्विजिलेटर और जो चेक करेगा आपकी कॉपी, कोऑर्डिनेटर जो रहेगा ये उनका वर्क है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल करना है, बस इतना फिल कर देना है। अब आते हैं हमारे मेन कॉन्टेंट की तरफ। तो ये है आपका ओएमआर शीट का मेन कॉन्टेंट। देखिए एक सैम्पल पेपर दिया है, एक सैम्पल है ये। अब इसमें क्या करना है आपको, मैं समझाती हूँ आपको
देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि इसमें 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस है? 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस 60 क्वेश्चन में, मतलब लगभग आप देखोगे तो सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में 60 ही क्वेश्चन, जैसे किसी में 54 है, किसी में 60 है, तो मतलब मैक्सिमम 60 क्वेश्चन है। सिर्फ अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी के पेपर में यहाँ पर नंबर इंक्रीज हुआ है, बट वो इंक्रीज हुआ है, वो सीबीएसई उसके बाद में उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन दे देगी, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए सीबीएसई ने एक और चीज बताई गई है, वो मैं आपको बताती हूँ, और वो मैं स्पेसिफिकली मैं वही इमेज शो करना चाहूंगी यहाँ पर, ताकि आपको वो चीजें पूरी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर शीट। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास में 60 क्वेश्चन है, अभी हमने देखे थे कि हमारे पास में 60 क्वेश्चन है। अब इन 60 क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहे हो आप, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो कैंडिडेट को क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर सर्कल्स है, इन सर्कल को आपको इनसर्कल करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए अब आप क्या को क्या करना है, जैसे अगर कोई बच्चा अगर इसको इसको क्या करता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 45 तक तो उसने लिख लिया, अब अगर इस क्वेश्चन को 47 को काट के अगर वो 45 कर देता है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये है कहना सीबीएसई का। देखो क्या कहा है सीबीएसई ने कि मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चन, अगर 45 क्वेश्चंस पेपर में है और आपने कोई क्वेश्चन नंबर 46 को चेंज करके 45 लिख दिया, फिर अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताती हूं इसके नेक्स्ट स्टेप। तो आप बेटा यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने एक छोटा सा एक इमेज ली है। इस इमेज में देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या क्या है। इस इमेज में हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपका आंसर फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में आपको इसको सर्कल करना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ताकि आपको इस चीज का अच्छे से आइडिया हो जाए, राइट। मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ आपको, ये मैं प्रॉपर तरीके से उतना वही कलर लेकर, ताकि आपको है ना कोई भी डाउट नहीं हो कि हम इसको, चलिए इंक कलर ले लेते हैं हम, ओके। जैसे मैंने ये ब्लैक कलर लिया, अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन वन का ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, अगर मुझे क्या लगता है कि क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, तो मैंने इसको इस तरीके से सर्कल कर लिया, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से सर्कल कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये सर्कल कर लिया मैंने, देख लिया। अब मैं क्वेश्चन टू के ऊपर गई, क्वेश्चन टू में देखा कि भाई मेरा जो ये है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इसका आंसर जो है ये ए है, तो मैंने इसको सर्कल कर लिया, ए को सर्कल कर लिया इस तरीके से। और बेटा हमेशा देखो इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल करना है, हमेशा स्टार्ट ही हमें कैसे करना है, देखो आप जब भी इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले इनके जो हम कहेंगे आउटलाइन कर लीजिए, और उसके बाद में स्टार्ट करना है। अब आप श्योर हो, आपने थर्ड स्टार्ट किया, थर्ड स्टार्ट करने के बाद में आपने सोचा कि ये करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर आपने थर्ड स्टार्ट किया और इसको भी इस तरीके से इनसर्कल कर दिया है, इनसर्कल कर दिया है इसको भी, ठीक है। अब देखो, अब आपने पूरे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार जब आप रीचेक करने जाते हैं तो इस बॉक्स पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लिखना भी है, यहाँ पर क्या करना है, आपको सी ऑप्शन लिखना भी है। एंड स्टूडेंट याद रखिए, आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करेंगे आप, ठीक है। बोर्ड ये कह रहा है कि पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे, अगर आपको पेंसिल यूज करते हुए देखा तो उसको अनफेयर मींस माना जाएगा, ठीक है। अनफेयर मींस मतलब होता है कि जो लोग नकल करते हैं उस कैटेगरी में उसको डाल दिया जाएगा, इसीलिए पेंसिल यूज नहीं करना है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन ही यूज करना है। तो जैसे आपने देखा कि इस बॉक्स में आपको ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि ये बॉक्स में लिखा हुआ जो भी कुछ आप इस बॉक्स में लिखोगे उसी को फाइनल माना जाएगा,
इसी को फाइनल माना जाएगा और ये सब इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। और इस तरीके से डार्कन करना है, मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको डार्कन कीजिए, और उसके बाद में आपको बाद में बॉक्स में भी लिखना है, बॉक्स में लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन बी के पास में गई, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन टू के पास में गई, क्वेश्चन टू में मैंने ए को सर्कल किया, फिर क्या हुआ, मैंने जब पूरा क्वेश्चन पेपर रीड किया प्रॉपरली, रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में मुझे पता चला कि ऑप्शन ए तो करेक्ट ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन करेक्ट ए नहीं है तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है तो मैं इसको एन सर्कल नहीं करूंगी, फिर से मैं ऑप्शन सी या ऑप्शन डी यहां पर लिखूंगी जो मुझे लगता है कि वो करेक्ट है। मतलब आपका फाइनल, इन दोनों आंसर में से फाइनल कौन सा माना जाएगा, जो ब्रैकेट में है, ठीक है, जो इस बॉक्स में है उसको ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और अब देखिए इसमें एक और चीज बोर्ड ने बताई जिसको मैं इरेज कर लेती हूं यहां पे। देखिए बोर्ड क्या कह रहा है, और कि क्वेश्चन नंबर थ्री जो है मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, मुझे नहीं आता तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी। तो अगर मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी, ना ही इसको क्रॉस करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है ये जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो सर्कल में दिया गया है, आपको इसको सर्कल करना है, ठीक है, इसको सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ये क्या है, अनअटेम्प्टेड। ये क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये अनअटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड है, क्लियर हुआ ये सब चीजें, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये इंफॉर्मेशन पूरी जो वही है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर और भी हमें दिया बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आप पहले सर्कल, मतलब हमें क्या याद रखना है, आपको देखो याद क्या रखना है कि सबसे पहले आपको सर्कल करना है, किसी भी जो भी आपका आंसर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर ए है तो मैं ए आंसर को यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सर्कल करूंगी, ठीक है, डार्कन करूंगी इसको। और ये डार्क होने के बाद में अगर मुझे लगता है, अगर मैं श्योर हूं, मैं अगर ट्वाइस थ्राइस अगर मैंने देखा और मुझे लग रहा है कि मैं श्योर हूं इस आंसर से रिलेटेड, तो मैं इस बॉक्स में उसका आंसर लिखूंगी ए, क्लियर हुआ। अब बोर्ड क्या कहता है कि जो भी आप यहां पर इस बॉक्स में लिखोगे उसी को फाइनल माना जाएगा, उसी को फाइनल माना जाएगा, याद रखिएगा उसी को ही फाइनल माना जाएगा। अब जैसे देखो अगर उन्होंने कहा है कि इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि यहां पर उन्होंने मार्क कर दिया है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री का यहां पर उन्होंने मार्क कर दिया और इस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्या किया, इस बॉक्स को इस तरीके से खाली ही छोड़ दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बॉक्स को खाली छोड़ देते हो तो इसको अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। देखो आपने अगर उसको बॉक्स को खाली छोड़ दिया तो इसको अटेम्प्ट, इसको जो है इसको कहा जाएगा, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बॉक्स में नंबर लिखना जरूरी है, बॉक्स में नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है, तो बॉक्स में नंबर लिखना जरूरी है। और अगर आपने अनअटेम्प्टेड है तो आपको इसको भी सर्कल करना है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सभी कमेंट्स के डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगी। सो स्टूडेंट आई होप कि इस OMR शीट को कैसे फिल किया जाता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया वो हाईलाइट करके रखना है कि ब्रैकेट में जो है ना ऑप्शंस लिखना हमें नहीं भूलना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे